तो गाइस, क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड इशू नहीं करता है? आपका रिफंड कब तक आने वाला है, उसकी डेट क्या है? इन सभी सवालों का जवाब केवल मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो गाइस ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होम टैक्स पोर्टल इनकम टैक्स पोर्टल का आपका इनेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपने लेटेस्ट में आईटीआर अपनी फाइल करी होगी, यहाँ पे उसका स्टेटस शो हो जाएगा। आईटीआर फाइल करने के बाद आपको उसे वेरीफाई करना होता है, उसके बाद रिटर्न आपकी प्रोसेस होती है, उसके बाद प्रोसेस जब कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपको जो है आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है, तो आपको इशू करा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस क्लाइंट का भी पहले रिफंड नहीं आ रहा था, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी हुई थी जिसके कारण रिफंड रुका हुआ था, तो वो ठीक करने के बाद इनका रिफंड इनके अकाउंट में आ गया है। अगर क्या पता आप भी वो गलती कर रहे हैं, तो वो गलती आप सुधार लीजिएगा, तभी आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, इनका रिफंड अवेट 698 जो कि ऑलरेडी इशूड हो चुका है। तो गाइज, इन्होंने ऐसी कौन सी इंप्रूवमेंट करी है, कौन से चेंजेस करे हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे ताकि उनका रिफंड आ गया है, और ऐसी कौन सी गलती आप नहीं कर रहे तो ताकि आपका रिफंड ना रुके। तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाने के बाद आ जाना है अपने माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देन एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देन आपका बैंक अकाउंट जो भी आपने ऐड करा होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट ऑलरेडी ऐड होना चाहिए। फेल्ड के अंदर आपका अकाउंट तो नहीं आ रहा, रिमूव बैंक अकाउंट के अंदर तो नहीं आ रहा। कभी और क्या होता है, आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वो फेल्ड हो जाता है, वो ऐड नहीं होता इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। तो ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर आपका फेल्ड में आ रहा है तो उसको रिवैलिडेट करके आप उसको ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस, रिवैलिडेट आप यहाँ पे रिवैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स होगी, वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट जो है वैलिडेट हो जाएगा। और ये आपका अकाउंट जब वैलिडेट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आपको अपना अकाउंट वैलिडेट करने के बाद इसको हमेशा इनेबल करना है नॉमिनेट फॉर रिफंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसको नॉमिनेट नहीं करेंगे आप, जैसे आपका वैलिडेट कंप्लीट हो जाएगा, आप 2-3 घंटे के बाद चेक इन कर सकते हैं दोबारा अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे और इसको इनेबल कर दीजिएगा, तभी आपके अकाउंट में आपका रिफंड जो है क्रेडिट करा जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली गलती मोस्टली टैक्स पेयर्स यही करते हैं, इसको इनेबल नहीं करते हैं और यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, और ऐड कर भी देते हैं तो वो नॉमिनेट नहीं करते हैं इस अकाउंट को अपना रिफंड क्रेडिट करने के लिए। तो ये तरीका था, ये मोस्टली टैक्स पेयर्स कर देते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं, कभी कभी वो आईटीआर फाइल करते हैं और आईटीआर उनकी डिफेक्टिव आ जाती है, तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव शो हो जाएगा, तो आपको रिवाइज करके आईटीआर दोबारा फाइल करनी होती है, तभी आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में आता है। तो 2-3 गलती लोग ज्यादा ये करते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करना गाइस। ओके, अगर ये सब करने के बाद भी आपने ठीक कर दी है, उसके बाद भी आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे गाइस, सर्विसेज के अंदर आएंगे और रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप रिक्वेस्ट जनरेट करें अपने रिफंड रीइशू करवाने की। तो आपका रिफंड अगर फेल हो गया है, फेल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट रिफंड रीइशू करके आप जो है यहाँ पे आपकी आईटीआर आ जाएगी, किस ईयर की आपकी आईटीआर का रिफंड रुका हुआ है, सेलेक्ट करके इसको आगे कंटिन्यू करके आप इसको ओटीपी डाल के इसको प्रोसीड कर देंगे, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी जो कि आपके इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि आपका एओ होता है, असेसिंग ऑफिसर, उसके पास ये रिक्वेस्ट शो होगी, उसको लगेगा आपकी आई ठीक है, तो वो आपका रिफंड जो है दोबारा रिक्वेस्ट रिफंड की जनरेट कर देगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो तीसरा सबसे सवाल आपका, ये महत्वपूर्ण सवाल ये था मेरा कि आपका रिफंड कब तक आएगा। तो गाइस, जैसे कि एक 4 प्रोसीजर होता है आईटीआर के अंदर। सबसे पहले की चीज, आपको ड्यू डेट के अकॉर्डिंग जो है अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है, उसके बाद आपकी रिटर्न जो है वेरीफाइड होती है, आप उसको ईवीसी के थ्रू या आधार ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाइड करते हैं, उसके बाद आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस करी जाती है, चेक करी जाती है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, और आपकी प्रोसेसिंग जब कंप्लीट होती है तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 22 का जो रिफंड है वो 16 डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है तो आपको वेट करना होगा गाइस, जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो एक मेल भी ऑफिसर आपको रिसीव होगी आपकी आईटीआर रिफंड की, उसके 16 डेज बाद आपके अकाउंट में आपका रिफंड जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये तरीका था कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने रिफंड की प्रोसेसिंग को और आपका रिफंड आपके अकाउंट में आया है या नहीं, या कोई गलती है जो कर रहे हैं आप, तो उसको आप ऐसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई एडिशनल पॉइंट है, कोई चीज मैंने बताना छोड़ दिया है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन मार्क करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है सर, तो हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप जो है अपना रिफंड की रिक्वेस्ट आपके अकाउंट में आई या नहीं, रिफंड आपका जनरेट हुआ है या नहीं, रिफंड आपका क्रेडिट हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आसान वे में आप चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और हम ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे जीएसटी एमसीए ओके इनकम टैक्स आईटीआर डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब हम इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करते जाना यार।